सपने में सांप को मारना देखना यह एक शुभ सपना होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और इससे संबंधित कोई और सपने देखते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। रियल लाइफ में तो सांप को नहीं मरना चाहिए, पर मैं यहाँ सपनों की बात कर रहा हूँ। हमें सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे कारण होता है। हमारे जो शरीर होता है पंच महाभूत तत्व क्षितिज जल पावक गगन समीरा से मिलकर बना हुआ होता है, और इसे ही प्राण शक्ति बोलते हैं। प्राण शक्ति के ऊपर में आत्मा का वास होता है। जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो हमारा शरीर सो जाता है, परंतु हमारी आत्मा जागृत अवस्था में होती है। हमारी आत्मा के कारण हमारी जो बुद्धि जो तीन तरह की होती है, चेतन अवचेतन अतिचेतन, जो हमारे द्वारा भूतकाल में किए गए कार्य और वर्तमान काल में हम जो कार्य करते हैं उसको जोड़कर एक समुचित फल स्वप्न फल के माध्यम से बताने की कोशिश करती है। यह संकेत देती है कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे स्वप्न फल आते हैं, और बुरे कार्य करते हैं तो बुरे स्वप्न फल आते हैं। तो स्वप्न में सांप को मारना देखना एक शुभ सपना होता है या सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। आपके कष्ट दूर होंगे, भविष्य आपका सुखद होगा, गुप्त शत्रु या शत्रु आपसे दूर भागेंगे, मानसिक प्रसन्नता मिलेगी, और भविष्य में आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत शुभ सपना है, और इस शुभ सपना को अधिक सकारात्मक बनाने के लिए आपको गायत्री मंत्र का ध्यान करना चाहिए, शिव जी के पंचाक्षी मंत्र ओम नमः शिवाय का ध्यान करना चाहिए, ताकि इसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर अधिक से अधिक पड़े और इसका लाभ मिल सके। स्पिरिचुअल अर्थ चैनल पे बहुत सारे सपनों का मीनिंग बताया गया है, प्लीज़ इस पर विजिट कीजिए और बहुत सारे सपनों का मीनिंग जानिए और उसका लाभ उठाइए। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग प्रदान करिए। धन्यवाद।